बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत से पहले भारतीय टीम बैकफुट पर दिख रही है। टीम अपने घर में लगातार 3 टेस्ट मैच हारकर यहां पहुंची है और अब उसके पास पहले टेस्ट में कप्तान रोहित शर्मा का साथ नहीं। इसके बाद नंबर 3 के बल्लेबाज शुभमन गिल भी चोटिल होकर बाहर हो चुके हैं। चोट से उबर कर घरेलू क्रिकेट में खेल रहे अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी इस दौरे का हिस्सा नहीं बन पाए। इस बीच भारतीय टीम को रोहित की जगह ओपनिंग स्लॉट पर केएल राहुल को मौका देना होगा। इसके अलावा नंबर 3 पर बैटिंग के लिए अब उसने देवदत्त पड्डीकल को ऑस्ट्रेलिया में ही रोक लिया है। देवदत्त पड्डीकल भारत ए के साथ ऑस्ट्रेलियाई दौरे का हिस्सा थे, जहां उन्होंने 2 अनाधिकारिक टेस्ट खेलकर टीम मैनेजमेंट को यहां उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा दिलाया। शुभमन गिल पर टेस्ट के लिए वाका मैदान पर ट्रेनिंग कर रहे थे, जब उन्हें स्लिप में फील्डिंग प्रैक्टिस के दौरान गेंद हाथ में लगी। उनके अंगूठे में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। ऐसे में पड्डीकल के पास प्लेइंग 11 में जगह हासिल करने का ये मौका है। 24 साल के पड्डीकल को इस साल इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में डेब्यू का मौका मिला था, जहां उन्होंने 65 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर अपना दमखम दिखाया था। पड्डीकल के साथ साथ निगाहें अब युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा पर भी होंगी, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कम होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम का हिस्सा बने। माना जा रहा है कि प्रसिद्ध कृष्णा से पहले पर्थ टेस्ट में उन्हें मौका मिलता है, जो उनका टेस्ट डेब्यू भी होगा। वो पर्थ टेस्ट से पहले टीम इंडिया के इंटर स्क्वाड मैच में खेले थे, जहां उन्होंने अपनी बाउंसर से टीम मैनेजमेंट को प्रभावित किया था। आपको बता दें कि भारतीय टीम की यदि बात की जाए तो अगर प्लेइंग 11 को देखा जाए तो प्लेइंग 11 में शुभमन गिल का ना होना टीम इंडिया को एक बड़ा झटका दे सकता है, यानी कि यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ओपन करते नजर आ सकते हैं। 3 नंबर की बात की जाए तो 3 नंबर पर विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। 4 नंबर की बात की जाए तो 4 नंबर पर खेलते नजर आएंगे सरफराज खान। 5 नंबर पर ऋषभ पंत। 6 नंबर पर ध्रुव चुरेल। 7 नंबर पर रविंद्र जडेजा। 8 नंबर पर हर्षित राणा। 9 नंबर पर जसप्रीत बुमराह। 10 नंबर पर मोहम्मद सिराज और 11 नंबर पर प्रसिद्ध कृष्णा खेलते नजर आ सकते हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।